हेलो फ्रेंड्स, हर किसी का एक सपना होता है कि उन्हें पढ़ लिख कर एक प्रोफेशनल जॉब मिले और उनकी लाइफ सेट हो जाए। हर एक स्टूडेंट का एक मकसद होता है कि उन्हें एक अच्छी सैलरी देने वाली जॉब मिले। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में सारी डिटेल में जानकारी दूंगा कि होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है, इसे कैसे करा जाता है, ये करने के बाद हमें कौन कौन सी जॉब मिलेगी और क्या सैलरी पैकेज रहेगा। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर दिन बिजनेस एंड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको भी हर दिन बिजनेस एंड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे हर एक न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट अभी काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स बन चुका है क्योंकि भारत में बहुत ही तेजी से टूरिज्म बढ़ रहा है और बाहर के कई सारे लोग इंडिया में घूमने के लिए आ जा रहे हैं और वो लोग ज्यादा करके होटल में रहना पसंद करते हैं, तो होटल की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हम लोग अभी जान लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। होटल मैनेजमेंट के नाम से ही पता चलता है कि होटल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग होटल को किस तरह से मैनेज करें, होटल में होने वाली एवरी एक्टिविटी को सही तरीके से और सिस्टमेटिक वे से मैनेज करना, यानी होटल मैनेजमेंट होता है। अभी हम लोग जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट को हम लोग किन किन तरीके से कर सकते हैं। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, फर्स्ट तरीका है कि आप जो है वो होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर लीजिए। सेकेंड है ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट और थर्ड है पोस्ट ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट। अभी हम लोग सबको वन बाय वन समझ लेते हैं। फर्स्ट है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट में अगर आपको डिप्लोमा करना है तो वो 1 ईयर का होता है और ये करने के लिए आपको 10th या फिर 12th में 50% से ज्यादा मार्क्स लेकर पास होना है। होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा आप 12th के बाद भी कर सकते हो और 10th के बाद भी कर सकते हो। ये कोर्स करने के लिए आपको AIMA, UGAT, BVT, CET, HMCT इन एग्जाम में से एक एग्जाम को पास करना होता है, तभी आपको होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अभी हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर हम लोगों ने डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में किया तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे। डिप्लोमा इन फ्रंट सर्विस, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन बेकरी, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये सब्जेक्ट्स आपको डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर सीखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा का कोर्स किया है तो आप डिप्लोमा का कोर्स करते करते अपनी एक जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हो और जॉब को करते करते आप अंडर ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट वो भी कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट ये कोर्स कंप्लीट करते हो और जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में उतरते हो तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से 12,000 रुपए की मिल जाएगी। सेकेंड है अंडर ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स 3 इयर्स का होता है। ये कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हो, मगर आपको 12th में 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया है तो उसके बाद आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है। अगर आपको होटल मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएशन करना है तो आपको AIMA, UGAT, BVT, CET इनमें से कोई भी एक एग्जाम की तैयारी करनी है। अभी हम लोग सब्जेक्ट्स जान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएशन किया तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे। बैचलर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट इन फूड एंड बेवरेज सेक्शन। आप अपना कोर्स कंटिन्यू करते करते अगर जॉब भी करोगे तो आपकी जो सैलरी होती है उसके अंदर भी आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और अगर आपको फाइनली होटल मैनेजमेंट में ही करियर करना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है होटल मैनेजमेंट में। अगर दोस्तों आपने होटल मैनेजमेंट का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आप मार्केट में जॉब के लिए उतरते हो तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपए तक की मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट ये सबसे बड़ी डिग्री है होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में। तो अभी हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट इसके बारे में भी जान लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट,
दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन आप तभी कर सकते हो जब आपने होटल मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो आपको बहुत ही ज्यादा मिलती है और उस सैलरी के जरिए आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन ये 2 इयर्स की डिग्री होती है। अगर आपको होटल मैनेजमेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको 2 इयर्स तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस कोर्स को करने के लिए आपको UPSC, MAT, XAT, NMAT, GMAT, MAT जैसे एग्जाम की तैयारी करनी होती है। इनमें से कोई भी एक एग्जाम देकर आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, फिर आप उस कॉलेज से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हो। अभी हम लोग जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर आपको मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, MBA इन होटल मैनेजमेंट एंड MBA इन हॉस्पिटलाइजेशन एंड मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। दोस्तों अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सही तरीके से किया तो आप होटल मैनेजमेंट के करियर के अंदर 60,000 से 70,000 रुपए तक की सैलरी एवरी मंथ अर्न कर सकते हो। अभी हम लोग ये जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी फीस कॉलेज को पे करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की फीस एवरी ईयर पे करनी पड़ेगी। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपको एवरी ईयर 40,000 से 60,000 रुपए तक का खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी होटल मैनेजमेंट के कोर्स से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।